हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम एंटी एजिंग देसी घी फेस पैक बनाएंगे। सो ये फेस पैक आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और यहाँ तक कि डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगा। ये आपके एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, प्लस इसके रेगुलर यूज से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आइए इस मैजिकल फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। देसी घी फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्लीन बोल में ये 2 चम्मच सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर ले लेंगे। चंदन का पाउडर हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है। साथ ही इसमें कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच वाइट टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करती है और साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स और यहाँ तक कि सनटैन को कम्प्लीटली रिमूव कर हमारे स्किन टोन को भी इवन बनाती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है और साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल भी बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क ऐड करेंगे। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे स्किन को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। आपके एनलार्ज ओपन पोर्स भी धीरे धीरे श्रिंक होने लगेंगे और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम तो एकदम जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो आप इस मैजिकल फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।